सार्थक में मैं नीतू गर्ग आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे एक्सेल के और कंप्यूटर के क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कशीट कमांड होती है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट कमांड का यूज हमारी जितनी भी शीट्स होती हैं और शीट पर जितना भी डाटा होता है उसको व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। व्यवस्थित यानी कि अरेंज करना, अपने हिसाब से सॉर्ट करना, फिल्टर करना, ये सब एमएस वर्ड एक्सेल में हमारा जितना भी डाटा है उसको व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में डब्ल्यूटी का क्या होता है। देखिए, डब्ल्यूटी का मतलब होता है, डब्ल्यू मतलब वर्कशीट और टी मतलब टाइटल। जो टाइटल पे डब्ल्यूटी कमांड होती है वो हमारे वर्कशीट के टाइटल को यूज करने के लिए होती है। एक्सेल में पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं। देखिए बेटा, एक्सेल में जब भी हमें पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी होती है तो हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं। कंट्रोल ए हमारी वर्कशीट को कंप्लीट सेलेक्ट कर देती है। एक्सेल में मैक्रोज एक कमांड होती है बेटा व्यू के अंदर, और ये रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज होती है, और इसके थ्रू आप अपने फॉर्मूले भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं अपने हिसाब से फॉर्मूले बनाना तो हम वो भी जनरेट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ F8। मैक्रो कमांड एक्सेल में फॉर्मूले जनरेट करने के लिए होती है और इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ F8। एमएस एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगाने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है। याद रखिएगा बेटा, डाटा में फॉर्मेट लगाने के लिए एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और हैश का साइन। एमएस एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट और हैश का साइन डाटा को फॉर्मेट लगाने के लिए किया जाता है। एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन एक ही फॉर्मूले में यूज की जाती है। मतलब एक ही फॉर्मूले में अगर हम बहुत सारे फॉर्मूले अटैच कर दें उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। देखिए, जैसे मुझे किसी चीज की बहुत कंडीशन लगानी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही पहले मैक्सिमम निकालना है फिर कंडीशन लगानी है, यानी दो फॉर्मूले जॉइंड हो गए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। कई फॉर्मूलों को एक साथ मर्ज करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों का यूज करते हैं। एक्सेल में निम्न में से कौन सा डेटा टाइप है जो मान्य नहीं होता है। याद रखिएगा बेटा, नंबर भी मान्य होता है, करेक्टर भी मान्य होता है, लेकिन केवल, आप लोग सभी जानते हैं केवल एक तरह की तार, तो तार मान्य नहीं होती है। एक्सेल में नंबर भी मान्य होते हैं और करेक्टर भी मान्य होते हैं और डेट एंड टाइम भी वैलिड होती है। नेक्स्ट, स्प्लिट विंडो एक्सेल में कहां पर होती है। देखिए, अगर हमारी जो विंडो है उसे हमें स्प्लिट करना है यानी कि दो पार्ट में बांटना है तो एक कमांड कहां पर होती है, ये बेटा कमांड होती है विंडो के अंदर। स्प्लिट विंडो कमांड हमारी विंडो मेन्यू के अंदर होती है और ये हमारी विंडो में पार्टीशन डालने के लिए यूज होती है। एक्सेल को का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है। एक्सेल का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो अब आ रहा है एक्सेल SP सबसे लेटेस्ट वर्जन है। एक्सेल में बनी फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। याद रखिएगा बेटा, एक्सटेंशन मतलब होती है किसी भी सॉफ्टवेयर का जो सरनेम होता है, मतलब एक तरह से उसकी जो पहचान होती है उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे वर्ड की एक्सटेंशन होती है डॉक, एक्सेल की एक्सटेंशन होती है XLS, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है PPT, तो एक्सेल की एक्सटेंशन होती है XLS। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है। देखिए, सबसे नया अभी मैंने आपको बताया था, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कंपटीशंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना जो एक्सेल का वर्जन था वो था VGCOL। VGCOL हमारे एक्सेल का सबसे पुराना वर्जन था। उसके बाद आया था हमारा लोटस, उसके बाद हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आए।
लोटस में बनी फाइल की एक्सटेंशन किस नाम से जानी जाती है? मैंने बताया था विजी कॉल के बाद आया था लोटस, और जो लोटस की एक्सटेंशन थी बेटा वो थी .123, क्योंकि एक्सेल में कैलकुलेशन होती है, तो इस वजह से जब फर्स्ट टाइम इसकी एक्सटेंशन रखी गई थी तो 123। एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? बेटा याद रखिएगा, एक एक्सेल की वर्कशीट में 256 कॉलम होते हैं, और अब जो नया वर्जन आ गया है उसमें 1024 और उससे भी नए में 16384 कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट में कितनी रोज होती हैं? याद रखिएगा बेटा, एक वर्कशीट में होती हैं आपकी 10,48,576 रोज। एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं। याद रखिएगा, जो हमारा ऑफिस 2010 है उसकी एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं। सेल एक्सेल में जो बेटा छोटा सा बॉक्स होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, रो और कॉलम के बीच के पार्ट को सेल बोलते हैं, और सेल में जो कॉलम को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट कमांड से हम कॉलम भी जोड़ सकते हैं, रो भी जोड़ सकते हैं, और सेल भी जोड़ सकते हैं। सेल में कमेंट लिखने के लिए किसका यूज करते हैं? देखिए, सेल में जो कमेंट लिखी जाती है उसे बोलते हैं स्मार्ट टिप। मतलब एक तरह से हमारी एक स्मार्ट होता है कि हम अपनी सेल के बारे में अपनी कमेंट पास करें। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है? बेटा याद रखना, एक्सेल की फाइल में कुल 255 वर्कशीट होती है। एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का यूज किया जाता है? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी एक्सेल में आप कोई फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तब आप इक्वल का यूज करते हैं। एक्सेल में कई सारी वर्कशीटों को क्या कहा जाता है? बेटा जो वर्कशीट का ग्रुप होता है उसे वर्कशीट, मतलब जो शीट्स का ग्रुप होता है उसे वर्कशीट कहते हैं, और वर्कशीट के ग्रुप को वर्कबुक कहते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम और रो के एक मध्य खाने को क्या कहते हैं? याद रखिएगा बेटा, एक्सेल में रो और कॉलम के बीच के पार्ट को सेल कहते हैं। एक्सेल में रो और कॉलम के बीच के पार्ट को क्या कहते हैं? सेल। और ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, रो खड़ी होती, रो ऐसे होती है लेटी हुई और कॉलम खड़े होते हैं, और इनका जो बीच का पार्ट होता है उसको सेल बोलते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाई थी एक्सेल से, जो कंपटीशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लाई थी, थोड़े से क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।